सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। रोज़ाना की बुनियादों पर प्रोग्राम किया जा रहे हैं और इस बात को उजागर किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जो सफाई मुहिम चल रही है वो क्या कामयाब होती है, जो 21 सितंबर से शुरू हुई है और 21 अक्टूबर तक उसको ख़त्म होना है। अब ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, खासी तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि दस सालों में सिंध में बैठी हुई है। कराची को तरजीही बुनियादों पर कभी नहीं रखा गया, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन ये एक महीना चाहे वो आर्टिकल 149 के को देखते हुए किया गया हो, तमाम मिनिस्टर्स आपके सड़कों पर उतरे हैं और सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई मुहिम की कारकर्दगी किस तरह दिखाई जा रही है, दिखाते कुछ और हैं। ये वो हाथी है, खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। एक वाकया यहां पर मैं आपको और बता दूं कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में वजीर आला साहब की जब आमद हुई तो वो जो कचरा उठाने का काम था वो बड़े जोरों शोर से किया जा रहा था। वजीर आला साहब गए तो उसी कचरे को वहीं पर फेंक दिया गया दोबारा। ये वीडियोस भी जो है वो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो पहले तो इस बात की क्रेडिबिलिटी बताई जाए कि कितनी जो है वो सदाकत के साथ ये सफाई मुहिम हो रही है। दूसरी बात यहां पर कि डीसीज को आपने पैसे दे दिए, डीएमसी को जो कि जिसका काम था कचरा उठाना उसको एतमाद में नहीं लिया गया, ये क्यों किया गया। तीसरी चीज यहां पर यह कि एमक्यूएम 3 सालों से कचरा उठाने के ऊपर से लेकर तमाम इख्तियारात के बाद और नालों की सफाई तक हर चीज में फेल नजर आई। अगर सिंध हुकूमत ये कचरा साफ कर देती है तो मेयर की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा, डीएमसी के चेयरमैन को कितना नुकसान पहुंचेगा, एमक्यूएम की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। अब आ जाते हैं पीटीआई के ऊपर। पीटीआई आई, वफाक को बुलाया गया एज यूजुअल, जिस तरह से मेयर ने खत लिखा और बुलाया। अली जदी साहब की मुहिम, वो जो डमी मुहिम जिसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो दिखाते कुछ और हैं, हुआ कुछ और था। नालों की सफाई के बारे में एक वो वीडियो उन्होंने जारी की थी, लेकिन नालों की सफाई किस हद तक हुई, कचरा उठाया गया नहीं उठाया गया, वो सब चीजें नाजीन आपके सामने हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि अभी भी कचरा जूं का तूं मौजूद है। फिर गार्बेज स्टेशन जो बनाए जाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, कि जो गार्बेज स्टेशन है वो शहरी इलाकों में बना दिए गए हैं, वो कब्रिस्तान की दीवारों के साथ लगाकर बना दिए गए हैं। मुर्दे भी अब सुकून से नहीं सो सकते, बदबू और ताफुन के बाइस वो भी जो है वो इस वक्त जाग गए होंगे, ये भी मैं बता दूं। बहरहाल तमाम चीजें अपनी जगह, तमाम मामला अपनी जगह। ये कचरा कैसे साफ होगा, सफाई जो कराची को जिस तरह से रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज मैं कराची को कचराची कहने पर मजबूर हो गया हूं, क्योंकि जितनी हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, सब नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या ये सियासी बुनियादों पर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल जो है वो पॉइंट स्कोरिंग है, ये तमाम चीजें इसके ऊपर वाजे किया जाता है रोजाना की बुनियादों प्रोग्राम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान, उनसे जानेंगे कि भाई किस तरह से सफाई होनी चाहिए, किस तरह से मामला चलने चाहिए। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बड़ा जो है वो मुनफरिद और खूबसूरत है, सफाई इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सोशल एसोसिएशन फॉर एमिंग इंप्रूवमेंट्स। अब ये बनता है सफाई, इसके प्रेसिडेंट है फाज शफीक साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज आपने ज्वाइन किया। फाज साहब, काफी अरसे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है सफाई के हवाले से, और फी सबीलिल्लाह काम किया जाता है ऑब्वियसली। क्या समझते हैं, इतनी मैंने जो लंबी चौड़ी डिटेल बताई है, रुदात सुनाई है कराची की बदकिस्मती के हवाले से, क्या ये सही हो रहा है कराची के लोगों के साथ? तो हम अपने बचपन से देखते आए कि कराची वालों के साथ हमेशा ही ज्यादती हुई है, कभी उनके किसी मसाइल के ऊपर, किसी चीज पे, जो लोकल कराची की मैं अगर बात करूँ, जो कि लोकल गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी किसी उस पर हवाले से जो है काम नहीं किया। जहाँ तक रही बात कराची में सफाई की, तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट जो है वो एमक्यूएम के पास है, और लोकल गवर्नमेंट में इस कराची की हिस्ट्री है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई मतलब के पार्टी नहीं रही जिसका मेयर 35 साल रहा हो, और कराची में एमक्यूएम का मेयर इतने टाइम रहा है,
और आज तक हम वही रोना, सफाई, सेवरेज, पानी, बिजली, कब निकलेंगे कराची वाले? कराची वालों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। अच्छा देखिए, सबसे जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, और जो इसका एक मेन रीज़न है ना, वो मेन रीज़न ये है कि कराची में और सिंध में कभी एक पार्टी की हुकूमत रही नहीं। बीच में MQM की रही, लेकिन वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या सिनेरियो था उस टाइम पे। बिल्कुल कराची वाला तो यरगमाल बन के रहता था, और यरगमाली हो गई थी ना। हम वोट अपनी मर्जी से डाल सकते थे, ना हम किसी को अपनी मर्जी से कुछ कह सकते थे, ना हम घर खरीद सकते थे, ना हम अपना कारोबार, यहाँ तक के हम अपना कुर्बानी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, खाले ले जाते थे, नहीं दे सकते थे किसी को अपनी मर्जी से। कौन लेके जाता था? एरियाज थे। मैं औरंगी टाउन की अगर बात करूं, औरंगी टाउन में जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि अगर आप खाल नहीं देंगे तो जानवर को गोली मार दी जाती थी। तो इस तरीके से तो कराची वाले यरगमाल थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से कराची को थोड़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और लोग काबिज हो गए। नहीं, वो गए तो कुछ कोई और आ गया। 2013 से कराची को थोड़ा सा, मतलब कराची वालों को रिलैक्सेशन मिली है, अमन है कराची में। टारगेट किलिंग बंद हुई, भत्ताखोरी बंद हुई, हड़तालें बंद हुई। दूसरी तरफ देखें, जहां तक मैं आपकी बात करता हूं कचरे की, और ये एक पूरा प्रोसीजर होता है सूबे की। जब मैं बात कर रहा था ना कि सूबे में, जैसे अगर हम पंजाब को देख लें, पंजाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक पार्टी की रही हमेशा से, तो पंजाब ने डेवलप किया। मेयर काम करे, चीफ मिनिस्टर काम करे, एक ही पार्टी के पूल में, मतलब एक पार्टी होती तो शायद कराची भी सुधर जाता। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि मुशर्रफ साहब के दौर में या मुस्तफा कमाल साहब के जो है वो टेन्योर में कराची में ज्यादा काम हुआ है एज कंपेयर के अभी अगर देखा जाए? बिल्कुल हुआ है, मैं इस चीज से एग्री करूंगा। डेवलपमेंट्स हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो भी मतलब कि आपके सामने था उस वक्त किसके डंडे पे काम होता था, और अब जो लोग काम नहीं कर रहे। देखिए, DMCs इस वक्त कराची के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 6 में से 4 DMCs MQM के पास हैं, 2 DMCs पीपल्स पार्टी के पास हैं। काम एक में भी नहीं हो रहा है, काम एक में भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब उसके ये बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। मेयर आके बोलता है, यार आप सोच सकते, किसी DMC में ज्यादा कम सफाई नहीं, सबने बराबर बराबर है, और exactly. जो के नथिंग, जीरो है। आप अगर मलीर चले जाएं वही सिचुएशन है, आप अगर सेंट्रल आ जाएं वही सिचुएशन है, आप सेंट्रल के जो चेयरमैन है उससे बदतर सिचुएशन है। सेंट्रल के चेयरमैन साहब भी बड़े जो है वो दावे करते हैं, उनके जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हाल देखें आप। देखिये, मैं सेंट्रल बिल्कुल, क्योंकि मेरी रिहाइश भी सेंट्रल की ही है। चलें, फिर आप तो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्या हाल है। अच्छी तरीके से जानता हूं, आप यकीन करें, कोई मैं डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहता, मैं सेंट्रल में रहता हूं, और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि मेरे घर के सामने गटर का ढक्कन एक हफ्ते तक टूटा रहा, किसी ने गटर का ढक्कन नहीं लगाया, वो मैंने खुद खरीद के लगाया। काउंसलर्स, चेयरमैन इलाकों में लोगों की सुनते नहीं है। कचरा उठाने का जो प्रॉपर निजाम है ना, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, डेली वेजेस पे घरों से कचरा उठता है। अच्छा, आज आपको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी यही था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो मैं जानना भी चाहूंगा कि ये काम कैसे करती है। जैसे कि आपने गटर के ढक्कन के हवाले से बताया, तो कोई आपके पास मैकेनिज्म, कोई स्ट्रेटेजी मौजूद है कचरा कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे उठाया जाए, क्योंकि ये भी एक साइंस है। देखिए बिल्कुल, इसका जो पूरा प्रोसीजर है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है DMCs में, कुछ DMCs में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ में नहीं है, और कुछ के पास था जो ख़त्म हो गया। ये पूरा प्रोसीजर है, डेली वेजेस पे घर से कचरा उठता है, वो प्रॉपर एक GTS जो इन्होंने बनाए हुए इलाकों के अंदर, GTS बनाए हुए। एक तो सबसे बड़ी बात कि 100 घर हैं तो 100 घर के कॉर्नर पे एक GTS बना हुआ है। यार आप वहाँ पे फेंक रहे हैं, वहाँ से मतलब कि कितने मच्छर, मक्खियाँ, ये सब बीमारियाँ वहीं से तो पैदा हो रही हैं। उसके बाद वहाँ से सॉर्टिंग होती है, इन लोगों ने कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए, प्राइवेट कंपनीज को। आज मैं ये आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, कचरा बिकता है, वो कंपनीज वहां से आगे सॉर्टिंग करती हैं, जो गत्ता और ये सारी चीजें होती हैं वो सॉर्ट करके ले जाती हैं, और जो वेस्ट बचता है वो ये अपनी मर्जी से 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद वहां से उठा के लैंडफिल साइट, जो जाम चाकरो है, उधर ले जाके फेंकते हैं, या एक दो और भी साइट्स हैं वहां ले जाके उसको डंप कर देते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, क्योंकि डेली वेजेस पे जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व हैं। मेजॉरिटी एरियाज में चेयरमैन काउंसलर्स के पास वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें लोग वो आके सुबह जो भी मतलब के अगवानी आते हैं या मुख्तलिफ लोग जो भी बेचारे ये काम करते हैं, उनकी आपको मैं एक बात बताऊं, उनकी कितनी तनख्वाह है? 1500 रुपये महीना तनख्वाह है। 1500-2000 रुपये महीना तनख्वाह है।
तो यार वो क्या कचरा उठाएंगे, उन्होंने दो बोरे रखे हुए होते हैं उसमें वो भी सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। मैंने पूरा उसका इंटरव्यू लिया, उसने मुझे बताया कि 300 रुपए हमें ये कचरा बेचने पे, गत्ता बेचने पे मिलते हैं। ये हाल है, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ कमाई हो रही है। डीएमसी का कोई कचरा बेचा जा रहा है, उसको जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन उठाया तो जाए, ये उठाया क्यों नहीं जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। डीएमसी से मैं सवाल करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं। सिंधु कुमार से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि भाई कचरा तो उठाया जा रहा है, कचरा उठता हुआ नजर नहीं आता। मेयर कहता है कि मेरे इख्तियार में नहीं है, तो फिर कौन उठाएगा कचरा? आप ये सोच सकते हैं कि कराची कितना बड़ा शहर है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को, और उस शहर का मेयर आके ये बात बोले। मैं तो कहता हूं कि हमें उस वक्त डूब मरना चाहिए था कि मेरे पास फ्यूमिगेशन के पैसे नहीं है। तो सर उस पे मैं बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो जारी करने वाला हूँ, कुछ इंकशाफात हैं कुछ सबूतों के साथ जो है वो फ्यूमिगेशन के ऊपर जो इन्होंने करप्शन की है उसके ऊपर तो चलें बात करेंगे। ये बताएं सर, पूरी दुनिया में कचरे को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, हमारे कचरे के ऊपर सियासत की जाती है? सर ये देखें, जो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, कचरे से जो है ना पूरी दुनिया इस वक्त बिजली बना रही है। और माजरत के साथ ये मैं बोलूँगा कि कचरा जो है हमारे यहाँ लोगों के घरों से उठता नहीं है, रोडों पे पड़ा रहता है, इनको कोई हाल नहीं होता। इस दफ़ा जो बकरीद में सिचुएशन रही है, अली जैदी साहब आए थे एक कैंपेन लेके, वो भी एक ट्रेलर दिखा के चले गए थे, वो वहां से इमरान खान साहब रस्सी खोलते हैं, यहाँ पे आता है एक वजीर, वो आके यहाँ पे सफाई करता है। वो अली जैदी साहब की मुहिम चल रही है या खत्म? उन्होंने तो दावे किए थे कि मैं 14 अगस्त तक वो कराची साफ कर दूंगा, कहां गई वो मुहिम? सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे बैठे थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि अली जैदी साहब जज्बाती हैं, 14 दिन के बारे में कह दिया था, तो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि सर 1-1.5 महीने में कराची को हम साफ कर देंगे। वो साहब भी आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी कहीं नजर नहीं आएगा, आप यकीन करें, जो एमएनएज एमपीएस इस वक्त पीटीआई के इलेक्ट होके आए ना, सेलेक्ट होके आए, बल्कि मैं तो इलेक्ट नहीं बोलूंगा सेलेक्ट बोलूंगा, क्योंकि वो उनको कोई पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, वो इलाकों में काम ही नहीं कर रहे। देखें दूसरी चीज, पहले हम रोते थे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को, ठीक है, अब एक और आ गया, अब एक और बीच में आ गया। पहले लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास, अब ये तीसरे वाले परेशान हैं कि इनको कौन सी गवर्नमेंट मिलेगी, एमएनएस एमपीएस आ गए, अब तो और बुरा हाल हो गया इलाकों का। देखें एक जो चीज है ना, कराची का जब मास्टर प्लान बना था तो मास्टर प्लान के हवाले से सीवरेज की लाइन, पानी की लाइने, गटर लाइने सब डली थी ना, अब उसमें ओवर क्राउडेड हो गया है। 2.25 करोड़ अगर कराची की आबादी मर्दमशुमारी में डिक्लेयर होती है तो इस वक्त मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 करोड़+ लोग कराची में मौजूद हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बूस्ट हो गई है लाइनें सेवरेज की, पानी नहीं आ रहा, यही वजूहत है। अच्छा मजेदार बात है, जहां पर बैंगलोर बने होते थे, मकान बने होते थे, वहां प्लाजा बने हुए, लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इन्हें लाइन जानी चाहिए थी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हर चीज में खुद ये लोग इन्वॉल्व हैं, अपनों के साथ अपनों ने ज्यादती की है। देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे लेकिन सवाल यहाँ पर ये है फास साहब, अपना है कौन? पहले इसको भी तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये अपना है कौन। कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हैं, कभी कहते हैं एमक्यूएम वाले, या पीटीआई वाले कहते हैं हम भी हैं। कोई भी किसी का नहीं है, ये कराची जो है ना, इन्होंने कराची को सिर्फ और सिर्फ एक खेल बना के रख दिया है। मैं कराची वालों से आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्टैंड फॉर कराची राइट। कैसे सर, क्या क्या हल करना होगा? इनको बेनकाब करना होगा, इनके खिलाफ एहतजाज करने होंगे हमें, ताकि ये काम करें। फंड सब है इनके पास, करोड़ों रुपए एक एक डीएमसी उठा रही होती है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ, एडवर्टाइजमेंट की मद में, पार्किंग की मद में, इंक्रोचमेंट की मद में करोड़ों रुपए उठा रही होती है। वो पैसा कहां जाता है मुझे आप बता दें। आपके सामने इस वक्त सिचुएशन है, हर डीएमसी का ऑपरेशन हो रहा है, और उसके पार्क्स क्या हाल है, उसकी डिस्पेंसरीज क्या हाल है, वो तो लियाकत कायम खानी साहब बैठे ना, हाल है आप बताएं ना मुझे, वो बिगाड़ पैदा करने के लिए बैठे थे लियाकत कायम खानी साहब, छापा मारा था पार्क्स के, पार्क्स वो पकड़े गए। तो अब आप देखिए यार, उनके पास से इतना पैसा निकला है, जो एक डायरेक्टर था बागात का, सर मेहनत की है, करप्शन में मेहनत की है सर। अब इसके ऊपर जो है ये मेयर साहब भी पकड़े जाएंगे, और बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए मेयर साहब, सही है, बिल्कुल पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो उनके मुशीर थे, और वो मना करते हैं कि मेरे मुशीर नहीं थे। ऐसा तो नहीं है, पूरी कौम जानती है कराची वालों ने बुरी तरीके से। मेयर साहब बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं,
जिस तरह से चलाना चाहिए था शहर को, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेयर के पास वो मुझे स्ट्रेटजी नजर नहीं आती, या फिर मैं लोकल मिनिस्टर से पूछूं तो उनके पास वो स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। आप बताएं, सफाई ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लाइक कचरा जो है वो कैसे उठना चाहिए, या फिर सीवरेज का निज़ाम किस तरह से, क्या लाइनें ज़्यादा डाली जाएं, ये क्या होना चाहिए इस शहर के साथ? ये तो बिगड़ता चले जाएगा 5 सालों के अंदर, तो ये मुझे लगता है कि और ज़्यादा सूरत हाल बदतर हो जाएगी। देखिए बिलाल, मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी इस चीज़, मैं किसी भी काम करने आप जाए ना, उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि जो डेली ये कचरा, आपको पता है कराची में इस वक्त 13,000 से 14,000 टन कचरा रोज़ निकल रहा है, और उठता कितना है, 6,000-7,000। अभी पीपल्स पार्टी जो कैंपेन कर रही है, जो इस वक्त क्लीन कैंपेन कर रही है, तो ये कैंपेन करके पीपल्स पार्टी एक महीने में, चले मैं मानता हूँ, कचरा उठा लिया, उसके बाद क्या होगा? तो आप इसका एक प्रॉपर जो है एक मतलब के प्लान करें, और चेक उसका चेक एंड बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को जो डेली वेजेस पे घर से कचरा उठता है डेली बेसिस पे, उनको जो है प्रॉपर लगाया जाए, वहाँ से कचरा उठे, और GTS ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे थोड़ा सा आबादी से दूर रहे, वहाँ जाके वो डिस्पोज ऑफ हो, उसके बाद कचरा जाके लैंडफिल साइट पे चले जाए। लेकिन यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना, जिनके पास ठेके हैं कचरे के, बकायदा ठेके हैं। अच्छा, मजेदार बात ये है कि करोड़ों रुपए बना रहे हैं, आवाम के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है कि इस पर सियासत हो किस तरह रही है। और मैं इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आवाम को भी बोलूंगा, अब अगर हम प्रॉपर जाएं तो इसमें 60% अगर इन लोगों की गलती है, तो 40% हमारी अपनी भी गलती है। ठीक है, हम अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, ऐसा है, हम अपने घर से निकलते हैं, थैली बाहर उठा के फेंक देते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, रोड को गंदा करते हैं। तो जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे ना, तो ये खुद ये लोग भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेरी कराची वालों से रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुस से कि प्लीज़ खुदारा अपने बाहर जो रोडें हैं, जो शहर है, जो पार्क्स हैं, उनको भी अपना घर समझें। जिस दिन हम अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो बाखुदा ये सब चेंज हो जाएंगे, और हम फिर खड़े होकर इनको बोल भी सकेंगे कि ये कचरा कैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है जब हमने नहीं फेंका। तो बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब, हमारे साथ जो है वो सफाई ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे, और तजिया दिया गया कि भाई सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी कि ओनरशिप आपने जाहिर करनी है। तमाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और गालिबन समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आप जब तक ओनरशिप जाहिर नहीं करेंगे, ये आपका अपना शहर है, आपने खुद वोट दिया है, आपका वोट आपकी जमानत है, आपकी अमानत है, उसमें खयानत आपने नहीं करनी है। ये जितनी सियासी जमातें ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, अब आपने इनका एहतसाब खुद कर लेना है कि किसकी सफाई मुहिम कितना फीसद कामयाब रही। यहाँ पर एक वक्फा लूंगा, उसके बाद दीगर स्टोरीज शामिल करेंगे।